साथ जिसका आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। और क्या यानी आज किस कार्यक्रम का पहला गीत लेके चल रही हूँ। कौन सा? हमारे आज के जो सहयोगी कलाकार हैं, क्या बात है, आदरणीय हमारे भाई साहब सुनील भाई साहब, आपके लिए। सुरेंद्र कहाँ के? अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे सुरेंद्र भैया सिरसा कलार से आप पधारे हैं, क्या बात। और आपके द्वारा ये 21 मुद्राओं का आशीर्वाद माता रानी के इस वंदन गीत पर आपने प्रदत्त किया है। भगवती सदैव आपके भंडारे भरे, आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से, धन्यवाद है। और हमारे आदरणीय जो हमारे गाड़ी के ड्राइवर साहब हैं, हमारे संतोष भाई साहब, उनकी तरफ से 51 मुद्रा हमारे राम बाबू भैया के लिए है। क्या बात है, धन्यवाद है। आइए गीत लेके चल रही हूँ। चूंकि आप सभी लोग देख रहे हैं और सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है, और क्या, तो ये पहला गीत मैं लेके चल रही हूँ और सुने आप लोग। एक गीत आया कौन सा फिल्म दुनिया वालों ने क्या कहा, इस गाने में ऐसे ढोलक बजी है सारा। अब आप सभी लोग थोड़ा सा सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। और क्या, हर नारायण सातवार श्रावण, आपकी तरफ से फिर 11 मुद्राएं आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आप सभी लोगों ने
श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है तो देखिए गीत मैं आप सभी के समक्ष रख रही हूँ और ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो कहा गया क्या? एक बार की बात क्या भैया कोई बात नहीं आप लोग इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा गाने का। एक बार की बात यमुना नदी के किनारे भगवान कन्हैया लाल विराजमान थे अभी के साथ में और कौन 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 विशाखा राधा कन्हैया सब लोग बैठे हुए थे और हो क्या रहा है क्या हो रहा तो परिहास हास्य कर रहे थे दाऊ के भैया सब लोग आपस में मिलके हंसी मजाक कर रहे थे सारी सखियां थी कन्हैया जी थे हंसी मजाक हो रहा था अचानक हुआ क्या क्या हुआ तो परिहास हास्य कर रहे थे बैठे कहां थे एक स्वच्छ सरोवर किनारे दृश्य था सुंदर एक स्वच्छ सरोवर किनारे दृश्य था सुंदर तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आ गए बंदर। आदरणीय सुनील भैया और हमारे आदरणीय चतुर्वेदी जी क्या बात है जवाब आपको देना है आप गाने को सुनिएगा और जो भी हमारे विद्वान यहाँ पर पधारे हैं आप सभी से आग्रह कर रही हूँ गाने को सुने आप लोग और कन्हैया विशाखा राधा ललिता सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे यमुना किनारे बैठे अचानक कुछ बंदर भगवान कन्हैया के दर्शन करने के लिए आ गए। अब जब कन्हैया के दर्शन के लिए बंदर आए तो अब देखिए बंदर क्या कर रहे हैं तो श्री कृष्ण के दर्शन के वो बंदर क्या करने तो जब वो उछल उछल के सरोवर को करते पार वो बंदर उछल उछल के सरोवर को पार कर रहे थे तो ये देख के ललिता को हंसी आ गई। ललिता कहने लगी कन्हैया इन बंदरों को देखो जरा इन बंदरों को देखो जरा तो कहा क्या क्या कि जब वो उछल उछल के सरोवर को करते पार तो बोली है ललिता ऐसे ही तो थे ललिता ने कहा कन्हैया इन बंदरों को देखो कैसे उछल उछल के तालाब को पार कर रहे हैं और जैसे ये बंदर उछल रहे हैं ये बंदर तो छोटा सा तालाब पार कर रहे हैं लेकिन पवन कुमार हनुमान जी ने तो 100 योजन का समुद्र पार कर लिया था। जय हो। जब कहा 100 योजन का समुद्र पार कर लिया तो कन्हैया बोले ललिता इतना आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है सुनो सच्चाई है क्या मैं बता रहा हूँ। कन्हैया कहने लगे ऐसे ही सुनिए कन्हैया ने कहा सुनो ललिता त्रेता में कन्हैया बोले अरे बोले कन्हैया त्रेता में मैं ही तो
लगी। कहा कन्हैया मुझे तुम्हारी बात का विश्वास नहीं है ना। क्यों क्यों तो बोले कन्हैया त्रेता में मैं ही तो राम था और सागर पे से तू रचना ये कपियों का छोटा ना समझो ना? अरे ललिता, इन्हीं बंदरों की सहायता से हमने त्रेता में 100 योजन समुद्र में पुल बनवाया था। जय हो। ललिता ने कहा अच्छा, अगर 100 योजन समुद्र में पुल बनवा दिया था तो 100 योजन तो बहुत बड़ा था। हाँ। एक काम करो कन्हैया, इस छोटे से तालाब पे इन बंदरों से पुल बनवा के दिखाओ जरा। इस छोटे से तालाब पे पुल बनवा के दिखाओ। और श्रीमान जी, पुल तो आपने तमाम देखे होंगे। एक था बाणों का पुल, एक था त्रेता में बनाया गया था जो पत्थरों का पुल, एक वो पुल था जिस पर राधा जी चल के पानी भरने गई थी, बाल का पुल। तमाम पुल थे, लेकिन देखिए जिस पुल का निर्माण मैं आपको बता रही हूँ वो देखिए कैसा है। अरे बोले कन्हैया त्रेता मैं ही तो राम था और सागर पे से तू रचना ये कपियों का काम था। तो जब कहा कि इस छोटे से तालाब के ऊपर पुल बनवा के दिखाओ, तो कन्हैया को जब ये चुनौती मिली तो कन्हैया से ये चुनौती बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने किया क्या? सुनी बात ललिता की तो क्रोध हुआ है भारी, भारी और उठा के बंसी लगे बजाने करने के लिए। हाँ। लेकिन जैसे कन्हैया ने गुस्से में अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। हाँ। तो हुआ क्या? क्या हुआ? बंसी श्याम ने जियो मेरे भाई इधर हो। बंसी श्याम ने, अरे बंसी श्याम ने जब है बजाई तो सब दौड़े कपीराई, सब दौड़े कपीराई हो। कन्हैया की बांसुरी सुन के तमाम धीरे धीरे तमाम बंदर इकट्ठे होने लगे। अब बहुत सारे बंदर इकट्ठे हो गए तो श्रीमान जी देखिए वो बंदर कर क्या रहे हैं। क्या बोला? क्या ध्यान दीजिएगा। उस सरिता पे और कृष्ण ही लगे बनाने। आपको याद होगा कि जब बानर भालू पुल का निर्माण कर रहे थे त्रेता में, राम जी ने सोच
आपकी सहायता कर लूं, एक पत्थर मैं भी डाल दूं पानी में। और जैसे राम जी ने पत्थर डाला, उधर नोट करवा दिया। भैया श्री ब्रजभूषण कुशवाहा जी, आपके माध्यम से 101 मुद्राओं का आशीर्वाद है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरी ओर से धन्यवाद है। तो त्रेता में जब राम जी ने पत्थर उस जल में डाला, श्रीमान जी और पत्थर तैरा नहीं बल्कि डूब गया। लेकिन यहाँ यहाँ कन्हैया को वो बंदर पत्थर ला ला के दे रहे हैं, और कन्हैया स्वयं अपने हाथों से पत्थर को जल में डाल रहे हैं, लेकिन पत्थर डूब नहीं रहे, उनका पुल बनता चला जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हुआ क्या? क्या हुआ कि बनने लगा पुल उस सरिता पे, और कृष्ण ही लगे बनाने। ललिता देवी के मन में चतुराई, तो सब आए कबीराई, सब आए कबीराई। आदरणीय भाई साहब, कन्हैया ने उस पुल को बनाना शुरू किया और पुल बनने तैयार हो गया। लेकिन एक विशेषता और देखें, क्या बेटा? क्या? जैसे त्रेता में पुल बनने तैयार हुआ, और त्रेता वाले पुल का नाम था सेतु बंद रामेश्वर। एक लाइन लिखना आप लोग, सेतु बंद रामेश्वर। तो जो कन्हैया ने पुल बनाया उसका नाम निर्माण हो गया, तो पूजा किसकी की गई? किसकी? क्या क्या? तो पुनः से तू निर्माण हुआ है, कपियों को काम मिला है। तो जैसे त्रेता वाले पुल के साथ हुआ, वैसे यहां भी। अरे से तू बंध रामेश्वर ही इस सेतु को नाम मिला है। भाई साहब, भाई साहब, जो नाम त्रेता वाले पुल का था, वही नाम द्वापर में कन्हैया वाले पुल का भी रखा गया। समझते रहिए, ध्यान दीजिएगा। और जैसे त्रेता में हुई थी, वैसे यहाँ भी। शिव की पूजा भी वही है कराई, शिव की पूजा भी वही है कराई। सब आए कबीराई, सब आए कबीराई। मेरे गाने में एक शंका छुपी हुई है। शंका व्यस्ता है, एक शंका है, क्या है? और अगर आपको समझ में आ जाए तो बता देना, नहीं तो जबरदस्ती नहीं है ना। और क्या आखिर वो शंका है? क्या क्या है? पहले आप मेरी बात सुनिए। जिस जगह कन्हैया ने पांडवों के द्वारा, पांडवों की सहायता से पुल का निर्माण किया कन्हैया ने, देखिए उस जगह पर और क्या क्या है, क्या क्या है, ध्यान दें आप लोग। तो 84 तीर्थ है, Oh,
एलपी वाले समझ लेना और ना 84 खंबे वो खजुराहो मध्य प्रदेश वाले समझ लेना। ये नहीं है क्योंकि जहाँ 84 खंबे 84 तीर्थ और 84 मंदिर है वहाँ पर कन्हैया के हाथों से बनाया हुआ पुल भी है। अब वो कहाँ पे है? हालांकि जिस पुस्तक में मैंने एक प्रसंग पढ़ा था उसमें बस इतना ही लिखा था बस, और आगे लिखा था अगले अंक में। तो अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। और क्या? तो 84 तीर्थ है, 84 मंदिर और 84 खंबे पाए। अब समझने वाली बात यह कि सब कुछ 84 क्यों है? क्योंकि अरे 84 तीर्थ करके परिक्रमा हो, 84 से मुक्ति पाए। उस स्थान के जो व्यक्ति एक बार परिक्रमा कर लेता है तो ये तन 84 लाख योनियों में भटकने से मुक्त हो जाता है, जीव को मुक्ति मिल जाती है। वाह! तो 84 करके परिक्रमा 84 से हेलो।
क्या बात है, क्या बात है बेटा, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात है, ये खुलने वाला। याद सता रात को प्रतियोगिता चल रही है इस जवाबी कार्यक्रम में हमारे जो प्रतिभागी हैं आदरणीय राखी जी ने जो गाना लिख दिया उसका मैं सम्मान करता हूं। आपने पुल बना दिया। एक बात समझ में नहीं आई, क्या आपने पहले कहा कि सरोवर था और सरोवर में कुछ बंदर उछल कूद कर रहे थे। अब सरोवर में कहां से पुल, सरोवर सरोवर में पुल बनाया किसी नदी में बनाया। सरोवर को पार करने के लिए हमने तो कहीं पुल देखा भाई, तालाब को पार करने के लिए अभी कभी पुल देखा ना, ना। कोई नदी हो लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा सरोवर हो कि जहां निकलने के लिए पुल बनाया जाए, हो सकता है। तो ये कहना है क्या, ये पुल थाया पुलिया बनाई, ये समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई।
इसलिए तो मैंने ऐसा ही बोल दिया। जवाब सुनिए। द्वारका से सिंधु तट पे आ गए भगवान। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक बार ये 101 रुपए का प्रेम प्रसून हमारे परम आदरणीय नरेंद्र सोनी जी की तरफ से ये 101 का पुरस्कार आया। आशीर्वादी कामना करते हैं। और ये 21 रुपए का प्रेम प्रसून हमारे परम आदरणीय छोटे कुशवाजी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये से आए हैं, आशीर्वादी कामना करता हूं अंकल से। और 101 रुपए राजन पाल फौजी की तरफ से आए हैं, आशीर्वादी कामना करता हूं चाचा जी से। और 21 रुपए हमारे परम आदरणीय भागवत आचार्य संदीप मिश्रा जी निवासी आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो लीजिए किस बात पर। द्वारका से सिंधु तट पे आ गए भगवान और साथ में सखा थे प्रजा और परिजन। ये उनके परिवार के लोग भी थे, साथ में सखा थे प्रजा और परिजन। ये कि सिंधु तट पर सबने जो देखा नजारा। ये दादा ये 21 रुपए छोटे कुशवा जी दे रहे आशीर्वादी कामना करते हैं। श्रोताओं से आप निवेदन करना चाहते हो, खमसा को समझिए, जवाब समझ में आ जाएगा। हम कीर्तन की भाषा में से खमसा बोलते नहीं, आप खमसा को क्या समझना। सिंधु तट पे सबने जो देखा नजारा, लीला देखे बानरों की प्रश्न उचारा। ये आपने कहा कि सभी बंदर और भगवान कृष्ण मिलकर के एक सेतु का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन इधर देखिए आप हेलो। तो देखिए लीला देख पानरों की प्रश्न उचारा, त्रेता में लीला ऐसी श्री राम ने रचाई। किसने आज प्रभर यहां कैसी दिखाई। ये यहां रामलीला का देखिए, उधर आप पुल बना रहे हैं लेकिन ऐसी लीला रचाई कि जिसे रामलीला ही कहते। एक विशेष बात, ये कृष्ण द्वारा द्वापर में
काकी जी इस बात को समझिए कि द्वापर में कृष्ण द्वारा रामलीला का निर्माण हुआ और उसमें जो पात्र थे वही पात्र कैसे इधर उधर हुए, उनके क्या अभी आपको खमसे के जरिए बताया जाएगा। तो बोले कृष्ण राम का अवतार मैं ही लूंगा, कि बोले कृष्ण राम का अवतार मैं ही हूँ, मैं ही बना विष्णु बामहन कृष्ण में ही हूँ। और मैं ही बना विष्णु बामहन कृष्ण में ही हूँ, कि इच्छा कीनी सबने प्रभु तेरे लगाई, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने द्वापर में बनाया, लेकिन लेकिन उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने जो लीला त्रेता में की वही द्वापर में कर रहे हैं, ये विशेष बात। और क्या, रूप बदल कर सब लोगों ने किया कौतुक रंगीला, कृष्ण सहित सब बानर दल में कीन्ही राम लीला। राखी जी हम पुल तो नहीं बना सके, आपने बना दिया, अब जरूरत नहीं थी, ये उस पुल से निकल के हम रामलीला करने जा रहे हैं। सुनिए, रघुनंदन तब सीता का रूप जय हो, द्वापर की बात बता रहा हूं। रुक्मणी सीता रानी बलभद्र बने लक्ष्मण भैया, ऐसी रची बलभद्र बने लक्ष्मण भैया।
रंग में राम रंग में बजरंग राखी जी से निवेदन है कि आपने त्रेता की बात लेकर के द्वापर में द्वापर में उसका निर्माण किया। मैंने भी कोशिश की, आपके सवाल का जवाब दिया, जो भी गलतियां हो उसे माफ करना कोशिश है आपने, लेकिन मुझे यह शंका है कि आपने पुल बनाया कि पुलिया सरोवर। आपने पहले अपने शब्दों में कहा है कि एक सरोवर के किनारे बहुत सारे बंदर आ गए, फिर सरिता कहा, फिर तो शंका जाहिर होती है कि सरोवर पे पुल बनाया कि सरिता यानी नदी पे पुल बनाया। इसलिए मैंने ये कहना पड़ा कि पुल बनाया पुलिया बनाई, समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई। लीजिए ये 21 रुपए हमारे परम आदरणीय भैया महन सिंह तोरना निवासी दे रहे हैं गुरुवर के लिए। ये 21 रुपए का प्रेम प्रसून दिया है, आशीर्वाद की कामना करता हूं महन भैया। तो ये आपका सवालिया गीत जितनी सवाल है।
अच्छा अच्छा आपका एक सवाल और आया था, देखिए मैं छोड़ ही रहा था। 84 कोश में 84 कुछ ऐसा बताया था। कहती ब्रज मंडल सॉरी हाजा नारायण सिंह श्रावण निवासी दे रहे हैं। नारायण सिंह सोनी जी की तरफ से 51 रुपए का प्रेम प्रसून आया है आशीर्वाद। चौरासी कहते ब्रजमंडल, ब्रजमंडल को भी चौरासी कहते हैं। और चौरासी ही कहलाए भग भग कर ले जो जो भी हटी भक्ति कर ले जो भी हटीला। क्या हो गया दारू वाले बैठिए बैठिए शांति बनाए रखिए।